जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 2.4, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि अगर 243 हो और उसकी पावर हो -2/3, 32 हो आपके पास और पावर हो -1/5, और 196 के ऊपर अंडर रूट हो और पावर हो -1, यानी कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो उसने -1 दी। ये बात, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये शो करता है कि हमने इनको उलट देना है, रेसिप्रोकल है ना। तो मैं फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन में 196 वाली फिगर ऊपर ले जाऊंगा और ये दोनों फिगर्स नीचे आ जाएंगी और इनके पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी, माइनस माइनस ख़त्म हो गए। 196 के फैक्टर बनाएंगे 14 डायरेक्टली बनता है, 243 के फैक्टर इस तरीके से बनाए तो वो 3 की पावर 5 आ गई। देन 32 के फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 5 आ गई। अब आपने बाहर वही पावर्स लिखी जो हैं, अंडर रूट पावर ख़त्म की तो 1/2 आ गया। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर आया बाहर 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 2 10, 3 की पावर 10/3। ये पॉइंट अभी समझने वाला आपका, क्योंकि इसी की पावर ब्रेक करने में आपको थोड़ा सा इशू होगा। 2 की पावर 5, 5 5 से कैंसिल हो गई, 2 2 से कैंसिल होगी, पावर सेम थी बाहर, ये ख़त्म हो गए, खाली 2 बच गया, खाली 14 बच गया। यहाँ आए तो हमने अब 3 की पावर को 3 से कैंसिल करना है तो जाके हमारी इससे थोड़ी जान छूट सकती है। तो मैंने इसके फैक्टर बना ली 10 के फैक्टर कैसे बन सकते हैं, 3 की पावर 3/3, फिर 3 की पावर 3/3, फिर 3 की पावर 3/3। हमारे पास लॉ है, आपको पता है ना, पावर्स ऐड करें, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 1 10, यानी कि अगर मल्टीप्लाई आएगा, बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड होंगी ना, तो पावर्स ऐड करें, 3 + 3 + 3 + 1 10 हो गया। मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया उसको, ऐसे करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, 3 की पावर 3 कट गया, 3 की पावर 3 कट गया, 3 की पावर 3 कट गया, 3 की पावर 1/3 ऐसे ही रह गया। इसको और तरह से भी कर सकते हैं, 3 की पावर मैं और कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, 3 की पावर 9/3 डॉट 3 की पावर 1/3, तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो 3 की पावर क्यूब बच जाएगा। इसको जब अगले स्टेप में करेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 ही होता है। ये भी वही आ गई, 3 × 3 × 3, दो ही स्टेप है। मैंने ज़रा एक स्टेप में थोड़ा ओपन कर दिया ताकि आपको आसानी हो कि मैंने ब्रेक कैसे किया। आप यूँ भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 3 की पावर 9/3 और 3 की पावर 1/3, 9 + 1 10 हो गया। जब आप ब्रेक करेंगे 3 का क्यूब बच जाएगा 14, 3 × 3 × 3, और ये 3 एज इट इज़ आएगा, इसकी पावर क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकी, 2 × 2, ये क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आया। अब ये 2 और 7 2 7 14 कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे कटिंग हो रही थी, 27 बच गया, 3 क्यूब रूट बच गया। यूँ लिखेंगे 7/27 ब्रैकेट में क्यूब रूट, ये इसका आंसर है। पिक्चर साथ अटैच है बेटा, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको मिल जाएंगी। सेकंड पार्ट है इसका, 2 की पावर 2 x की पावर 5, y की पावर -4, -8 x की पावर -3 y की 2। ये 2 है, यहाँ माइनस था, पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने बेस सेम कर ली, 8 2 का क्यूब होता है, माइनस वायर निकाली है 2 का क्यूब, एक्स का 3 और एक्स की -3 और वाई की, अब हमारी बेस सेम है, ये सारी बेसिस सेम है, 2 2 x x y y, मैंने 1 2 के ऊपर इसकी पावर 1 थी, ये माइनस बाहर निकाल लिया, ये पावर 2 और 2, इसकी पावर 1 थी, 2 प्लस, ये इसके ऊपर पावर 3 थी, प्लस हो गया, डॉट लगाया, x के ऊपर 5 था, माइनस x के ऊपर 3 कर लिया, y के ऊपर -4 था, +2 कर दिया, यहाँ से +2 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, -2 की पावर 4, x 5 - 3 x की 2, y -4 + 2 y की -2, सॉल्व किया, 2 की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 क्या बचता है, बनता है 2 की पावर 4 को 16 लिखेंगे, -7 आ जाएगा, x की पावर पॉजिटिव है ऊपर आ जाएगी, y की नेगेटिव थी नीचे चली गई, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है आज आपका, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4, x की 4 x y की -3 और z की 0, बाहर पावर -3 है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या पहले सबको ऊपर नीचे कर लूँ या पहले इसको सॉल्व कर लूँ। तो मैंने पहले सॉल्व किया, बेसिस ऊपर नीचे सेम,
एक्स वाई जेड मैंने लिखे, ऊपर माइनस टू थी, नीचे से फोर ऊपर गया माइनस फोर हो गया, वाई ऊपर माइनस वन था, नीचे से थ्री माइनस का ऊपर गया प्लस थ्री हो गया, जेड माइनस फोर था, नीचे से जीरो ऊपर गया माइनस जीरो हो गया, ख़त्म किया, बाहर माइनस थ्री पावर लगाई। आगे चलते हैं, तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस वन प्लस थ्री टू, जेड माइनस फोर माइनस फोर, एक्स की 18, वाई की माइनस सिक्स और जेड की 12 कैसे हुई? ये माइनस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सिक्स टू थ्री, टू थ्री ज़ा सिक्स आ गया, जेड माइनस फोर माइनस थ्री ज़ा माइनस माइनस प्लस जेड की 4। आप देख सकते हैं ये भी पावर पॉजिटिव है, ये भी पावर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है वो ऊपर आ गई, एक्स की 18 जेड की 12, और जो नेगेटिव थी वो नीचे चली गई। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर आज का, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर कोई इशू हुआ तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।